तुम लोग मुंह बंद कर, चल आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी, क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब चैप्टर वन जिसका नाम है कोशिका, क्या है यानी कोशिका बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। कोशिका, कोशिका को इंग्लिश से बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले तुम लोग वीडियो लास्ट तक देखना, एकदम एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। और सब वीडियो जो मेरा खोज रहा है, मेरा फोटो पर क्लिक करने का प्लेलिस्ट का ऑप्शन जाएगा, टू जेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो कोशिका स्टार्ट करने से पहले कुछ बायोलॉजी के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो देखें आप बायोलॉजी, तो बायो मतलब क्या होता है, देखें बायोलॉजी जो बना है दो शब्द से, ये बंदर यहाँ ध्यान दें, कोशिका स्टार्ट पढ़ने थोड़ा हम समझते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायो क्या बना है, और बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी मिला तो क्या बना, बायोलॉजी, क्या बना बायोलॉजी। और बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है क्या है, बायो मतलब सजीव होता है, क्या होता है, अरे बायो मतलब क्या होता है, सजीव। और सजीव किसे कहेंगे, जिसमें जीवन होगा। तो लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी टू स्टडी टू, तो जिसमें सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी, क्या कहते हैं, बायोलॉजी। समझ आ गया तुम लोग को। अब तुमने पूछा कि बताया इससे तुम लोग को पढ़ाए थे कि फिजिक्स, फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो न्यूटन को ना पढ़ाए थे, लेकिन भौतिक विज्ञान का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ाए थे। उसी में क्या पढ़ाए थे कि बता, रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो लेवाइजर या लेवाइजर या लेवासिए बताए थे ना। उसी प्रकार तुम लोग पूछा बता बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, तो जीव विज्ञान का पिता कहते हैं हम अरस्तु को, किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है ना। अभी हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ परिचय देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो बायोलॉजी जो है ना, ये जो बायोलॉजी है इसको बांट दिए दो भाग में, कितना भाग में बांट दिए, बायोलॉजी को हम लोग बांटे दो भाग में, सजीव बायोलॉजी मतलब क्या होता है, सजीव होता है, जीव विज्ञान होता है। तो जीव तो दो हो गया ना, एक ठो पेड़ पौधा हो गया, एक ठो जानवर हो गया, जानवर में हम लोग भी आते हैं, सबसे बड़ा जानवर है, यहाँ ध्यान दें। तो बायोलॉजी में दो चीज़ आ गया, एक ठो आ गया यहाँ ध्यान दें, एक ठो आ गया बोटेनी, क्या आ गया, बोटेनी बोले तो, बोटनी बोले तो वनस्पति, वनस्पति बोले तो पेड़ पौधा, वनस्पति बोले तो क्या, एक ठो हो गया वनस्पति विज्ञान, क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। और एक ठो हो गया जूलॉजी, जू मतलब जानवर, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है, जानवर रहता है, तो जूलॉजी मतलब अध्ययन करना, ठीक है ना, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे जूलॉजी, क्या बोलेंगे, जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दो भाग में बांट दिए ना। अब तुम लोग बोलेगा कि बायोलॉजी पिता तो हम बोल दिए अरस्तु है, लेकिन ये बोटेनिक पिता कौन है, तो बोटेनिक का पिता याद रखना, बोटेनिक का पिता यानी जनक, ज्यादा जिसका योगदान रहता है उसको बोलते हैं पिता या जनक, क्या बोलते हैं, जनक, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोटेनिक पिता हो जाएगा कौन, थियोफरेस्टस, याद रखना, थियोफरेस्टस को हम, थियोफरेस्टस को हम बोटेनिक का जनक क्यों बोले, तो थियोफरेस्टस जो है ना 500 नया पेड़ पौधे के प्रजाति का खोज किया था, 500 नया पेड़ पौधे के प्रजाति का खोज किया था। तुम लोग बता, तुम लोग को बोलेंगे नाम लिख, 100 को पेड़ पौधा नाम लिख, तो तुम लोग को 100 को पेड़ पौधा के नाम लिखते तो हालत खराब हो जाएगा, जबकि खोज हो ले खाई तुम लोग को लिखना है हालत खराब, लेकिन ये 500 नया पेड़ पौधा का खोज करके उसका नाम दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोल देते बोटेनी का जनक, बोटेनी का जनक यानी पिता, जनक यानी पिता। और पूछा गया जूलॉजी का पिता कौन है, तो जूलॉजी के पिता है यही अरस्तु, कौन है यानी जूलॉजी पिता कौन है, अरस्तु है। अब तुम लोग बताओ ज्यादा मेन कौन है, वनस्पति विज्ञान की जंतु विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति यहाँ ध्यान दे, जंतु विज्ञान ज्यादा मेन है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में तो ज्यादा बीमारी भी ना है, कुछ कुछ दवाई दे लो ठीक हो जाएगा, लेकिन जंतु विज्ञान में आँख का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, पेट का अलग, किडनी का अलग, सब का अलग अलग डॉक्टर ना है, तो इसमें इतना चीज़ है पढ़ना है कुछ कहने का नहीं, इसलिए जंतु विज्ञान मेन है। तो मेन यही हो गया, जैसे अरस्तु को बोल दिया क्या, पूरा के पिता यानी पूरा बायोलॉजी पिता बोल दिया, को समझा। आप पढ़ेंगे कोशिका, क्या पढ़ेंगे, अब तुम्हें पढ़ा, अब हम स्टार्ट करेंगे, हो गया इंट्रोडक्शन, क्या हुआ, आप पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में। देखिए यहाँ पर कोशिका क्या है, तो हम लोग का शरीर इतना बना बना है, तो इतना बड़ा शरीर हम लोग को कैसे बना है, तो पहले हम लोग का जो देखें कोई भी जीव का उत्पत्ति हुआ, जितना भी दुनिया में जीव है ना, जितना भी जीव बना पहले वो एक कोशिका था, यानी उसको वो इतना छोटा था कि उसको दिखाई भी नहीं देता था, धीरे धीरे बनते बनते अरबों खरबों कोशिका हो गया, तो हम लोग पूरा शरीर बन गया, समझ आया ना। यानी हम लोग का शरीर का पूछेगा सबसे छोटा इकाई क्या है, तो क्या बोलेगा, कोशिका। पूछेगा बता कि जीवधारी का या सजीव का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो क्या बोलना है, कोशिका। जैसे पूछेगा तुम लोग को कि बता लड्डू का छोटा इकाई क्या है, तो बुंदिया है, लड्डू में बुंदिया बना है। पूछेगा घर का छोटा इकाई क्या है, तो ईटा है, ईटा ना है, घर का छोटा इकाई क्या हो गया, ईटा। उसी प्रकार हम लोग का शरीर का छोटा इकाई क्या हो गया, कोशिका, क्या हो गया, तो कोशिका क्या है, तो कोशिका के बारे में लिखना है क्या, कोशिका जो है, कोशिका क्या है, तो यहाँ ध्यान दे, सजीव का सबसे छोटा इकाई क्या बोलना है, यानी जो सजीव है ना
उसका सबसे छोटा इकाई है, सजीव का सबसे छोटा इकाई। इतना समझ आया तुम लोग को? अब तुम लोग बता दे, तुम लोग बता, जब हम लोग का शरीर जो है अरबों खरबों कोशिका मिल के पूरा बॉडी बना है, हम लोग पहले एक कोशिका थे, जितना भी दुनिया में जीव उत्पन्न हुआ है सब पहले एक कोशिका था, ठीक है ना, चाहे वो हाथी हो या चूहा हो, ठीक है ना, सब एक कोशिका था। धीरे 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 कोशिका विभाजन होते गया, अरबों खरबों कोशिका मिलकर हम लोग बन गया, हाथी बन गया, चूहा तनिया रह गया, ठीक है ना। तो एक तो जो जितना भी जीव बना सब एक कोशिका बना, कितना बना? एक कोशिका, ठीक है ना। अब यहाँ जब हम लोग का शरीर कोशिका से बना है, बंदर, जब हम लोग का शरीर कोशिका से बना है, किससे बना है? तो हम लोग का संरचना किससे बना है? कोशिका बना है। तो कोशिका बोलेंगे हम लोग के, कोशिका बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये जीव का संरचनात्मक, क्योंकि संरचना इसी से बना है, तो संरचनात्मक। और जब संरचना इसी से बना है, कोशिका बना है, तो हम लोग को काम कौन करेगा? हम लोग के शरीर में तो कोशिका काम करेगा, इसलिए हम कोशिका बोलते हैं क्या? तो कोशिका को बोलते हैं जीव का संरचनात्मक। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि इसी से बना है संरचना, हम लोग को इसी से बना है, तो संरचनात्मक। एवं आप जब इसी से बना तो कामायन करेगा, तो क्रिया करेगा, क्या करेगा? तो क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई। तो बोलेगा बता हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? बोला कोशिका। क्या बोला? अब बात आता है कि बता कोशिका तो हो गया हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, लेकिन कोशिका को पहले खोज किया होगा ना, ऐसे परमाणु खोज किया। हम जानते हैं कि तो तुक्का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। उसी प्रकार कोशिका भी को खोज किया होगा ना, तो कोशिका को जो खोज करने वाला व्यक्ति था उसका नाम याद रखना। अब बता रहे हैं कोशिका का इतिहास, कैसे कैसे खोज हुआ इसमें, ठीक है ना, क्या क्या इसमें खोज हुआ इसका इतिहास बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिका का जो खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, कोशिका का खोज, हम क्या लिख रहे हैं? कोशिका का खोज। तो कोशिका का खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था उथा रॉबर्ट हुक। क्या था? याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। बता कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। क्या बोलना? अब रॉबर्ट हुक जो है, यहाँ रॉबर्ट हुक जाए कब किया कोशिका खोज? तो बोलना है 1665 ईस्वी। क्या बोलना है? 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर, ये जो रॉबर्ट हुक खोज किया था ना कोशिका खोज, इसका कोशिका था मरल। क्या था? मरल था, यानी क्या था? मृत कोशिका खोज। कौन कोशिका खोज? यानी जो कोशिका खोज किया है, क्या मृत कोशिका, मृत कोशिका खोज किया था। अच्छा बता, कोशिका तो सब में होता है, जितना भी जीव है सब कोशिका में होता है, लेकिन ये कोशिका खोज किया, मरल कोशिका खोज किसमें किया था? कोर्क में। किसमें किया था? कोर्क। तुम समझता है क्या चीज? तो बैडमिंटन वाला कोर्क नहीं समझ आना, कोर्क में क्या देखता है तुम लोग? अल्टवा तो नहीं रखता है, वो दबाव देखेगा तो उसमें लगा होगा, वो ढक्कन लबर ऐसा रहता है, या अल्टवा देखेगा तो उसमें ढक्कन लगा रहता है, कोर्क वाला लगाता है, रूबा ऐसा लगा रहता है ना, उसी बोलते हैं कोर्क। क्या बोलते हैं? कोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोर्क। तो बोलेगा बता कोशिका खोज किसने किया? तो बना रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किया, वो कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। किसमें किया? तो कोर्क में किया, ये कर दिया ना। तो मरा कोशिका की तो खोज ही किया, तो जिंदा कोशिका की भी खोज किया होगा ना, न किया होगा। तो देख यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान दे, जीवित कोशिका, क्या लिख रहे हैं यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। तो बोलेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो क्या बोलना है? तो देखा जीवित कोशिका खोज क्या किया, तो एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तो बताइए दिए थे लुबेन हॉक। क्या था? लुबेन हॉक। ये वैज्ञानिक था, ठीक है ना, ये खा लिया खाना, खाना खाने बाद दांत खोदने लगा, दांत खोदा तो देखा सफेद से निकला, तो दिमाग लगाया कि देखते हैं इसमें कौन सी रहता है, तो देखा सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है ना, उसमें देखा तो देखा उसमें जीवाणु बैक्टीरिया है। क्या है? जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया, इंग्लिश क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया खोज किया, उसी का कोशिका ही देखा था, उसी कोशिका क्या किया है? देखा था, तो ये कल दिया जीवित कोशिका खोज। किसका कोशिका खोज कर दिया? जीवित कोशिका का। तो बोलेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो बोलना है लुबेन हॉक, ठीक है ना, जीवित कोशिका। क्या बोल रहे हैं? जीवित कोशिका खोज किया कौन? तो लुबेन हॉक, ठीक है ना। और ये कौन कोशिका खोज किया? तो बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया में जो कोशिका होता है उसका खोज किया था, ठीक है ना। बैक्टीरिया को ही बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया। हो गया, चलो दो वैज्ञानिक तो आ गया, तीसरा वैज्ञानिक आया एक ठोर, उसने कहा था कि हम मुझे देखते कोशिका में हमको भी कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तो भी गया, एक वैज्ञानिक आया था कब? 1800 जो है ना, लुबेन हॉक जो है जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो किया था 1674 में, याद रखना। एक वैज्ञानिक और आया, वो सोचा था कि हम कोशिका में कुछ जाए कुछ ढूंढते हैं, ठीक है ना, तू भी ढूंढ रहे आ गया। तो यह वैज्ञानिक आया था कब? तो आया था, यहाँ ध्यान दे,
तीसरा वैज्ञानिक आ रहा है, ठीक है ना, कब, तो 1839 में, ठीक है ना, कब आ रहा है, 1839 में आ रहा है, ठीक है ना। ईवी कोशिका में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। उससे पहले एक वैज्ञानिक आता है 1831 में, कब आता है, 1831 में आता है, ठीक है ना। ईवी देखने लगा, कोशिका को देखने लगा, तो कोशिका को देखने लगा तो देखते 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 उसको कोशिका के अंदर एगो और गोल एसल मिला था, ठीक है ना, अरे कोशिका के अंदर एक ठो और गोल एसल मिला, ठीक है ना। कौन वैज्ञानिक था, तो था रॉबर्ट ब्राउन, कौन था, तो रॉबर्ट ब्राउन आया। ये भी सोचा था कि चलो हम भी कुछ खोज करते हैं, तो कोशिका के अंदर देखे यहाँ पर, इस अभी कोशिका के लिए खोज किया था, और रॉबर्ट ब्राउनमा जो है कोशिका के अंदर घुस के खोजने लगा कि कोशिका के अंदर हम हेल जाते हैं और खोज के देखते हैं कौन चीज मिलता है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के अंदर जब घुसा था तो उसको बीचा में वो गोल ऐसा आकृति दिखा, ठीक है ना, तो बोला था एक बीचा में है, एकदम केंद्र में है ना, इसका नाम रख दिया केंद्र, क्या नाम रख दिया, तो बोला केंद्र का खोज किसने किया, तो क्या बोलना है, रॉबर्ट ब्राउन, क्या बोलना है, क्या बोलना है, रॉबर्ट ब्राउन। बोलेगा कब किया, 1831, 1800 कोई दिक्कत है। फिर एक वैज्ञानिक आया 1839 में, कौन आया, 1839 में एक वैज्ञानिक और आया, बंदर शांत रह, 1839 में एक वैज्ञानिक और आया, उसे कहा था कि रॉबर्ट ब्राउनमा जो कोशिका के अंदर घुस के खोजा था तो उसको मिल गया केंद्रक, हम भी खोजते हमको भी कुछ मिल जाए। तब जब जब आया था 1839 में एक वैज्ञानिक आया था पुरकिंजे, क्या नाम था, पुरकिंजे, क्या बोल रहा है, पुरकिंजे, यो आया, यो जाके कोशिका में कुछ ढूंढने लगा, तो इसको जब ढूंढने लगा तो इसको पानी असर, यहाँ केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका है, क्या है, तो इसके बीचा में पानी असर मिला, यानी द्रव मिला, क्या मिला, तो बोला अरे चलो हमको भी मिल गया, पानी मिल गया, क्या मिल गया, कोशिका के बीच में क्या है, पानी, क्या है, द्रव है, तो इसका नाम रख दिया जीव द्रव, क्योंकि जीव में मिला तो जीव द्रव, क्या नाम रख दिया, तो बोले बता जीव द्रव का खोज किसने किया, तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, पुरकिंजे, हो गया। जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे, कौन किया था, पुरकिंजे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अभी बहुत सारा वैज्ञानिक है, कोशिका के अंदर बहुत चीज़ है, ठीक है ना, धीरे धीरे सब खोज होगा, ठीक है, तो अभी हम सबके बारे में पढ़ाएंगे हम डिटेल से। तो देखिए पुरकिंजे खोज कर दिया, अब फिर जो है 1839 से ईस्वी में एक वैज्ञानिक और आता है, दो वैज्ञानिक आता है, ठीक है ना, एक का नाम है स्लाइडेन, क्या नाम है, स्लाइडेन, और एक का नाम है स्वान, क्या नाम है, स्वान है, ठीक है ना, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं, इस ये कहा था कि सब लोग तो खोज कर ये रहा है, हम एगो देते हैं नियम, दे क्या देते हैं, यानी एक दे दिया सिद्धांत, क्या दे दिया, ये सिद्धांत दे दिया कि ये बोल दिया कि जितना भी दुनिया में जीव है ना, सब जितना भी दुनिया में जीव है सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये हो गया सिद्धांत से, क्या हो गया, तो बोले किसने कहा कि सभी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कौन, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं, तो बोला हम देते हैं वो सिद्धांत, क्या बोला था, हम देते हैं वो सिद्धांत, सिद्धांत क्या दिया था, ये सिद्धांत दिया था कि सभी जीव, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये सिद्धांत दे दिया ना। आई बोला था कि यहाँ ध्यान दे, ये बोला था कि जीव जो है ना वो एक कोशिका भी हो सकता है या एक से अधिक कोशिका भी हो सकता है, समझ तो लगा, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, क्या अथी शैवाल हो गया, या अमीबा हो गया, या पैरामिशियम हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है, और जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनेगा उससे बोलेंगे बहु कोशिकीय, क्या बोलेंगे, बहु कोशिकीय, समझ तो लोग आ गया, हम लोग एक कोशिकीय बहु कोशिकीय हैं, बहु कोशिकीय हैं ना, चूहा एक कोशिकीय बहु कोशिकीय है, तो चूहा भी बहु कोशिकीय है, क्योंकि एक कोशिका इतना छोटा था कि उसको हम देख नहीं पाएंगे, तो चूहा तो देखते हैं ना, समझ तो लोग आ रहा है ना, तो यहाँ ध्यान दें, तो चींटी भी तो बहुत कोशिकीय है, चींटी नहीं देखते हैं, अरे कोशिका इतना छोटा है कि उसको अखियां से हम देख नहीं सकते हैं, जब तक हम सुंदर सीने लगाएंगे, समझ तुमको आया, चल यहाँ ध्यान दे, ए यहाँ ध्यान दे, फिर बाद में देख यहाँ पर, ये सिद्धांत दे दिया ना, ये सिद्धांत दे दिया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर, ये सिद्धांत दे दिया ना, उसके बाद क्या हुआ देख यहाँ पर, अरे यहाँ ध्यान देना, उसके बाद दुगो भाई था, क्या था, दुगो भाई था, वो था नोल एवं, यहाँ ध्यान दे, नोल एवं ईरस्का, क्या था, नोल एवं ईरस्का, ये दोगो भाई था, क्या था, दोगो भाई था, तो अभी जो ध्यान दे तुम लोग, इससे तुम लोग मोबाइल देखा है ना, पहले मोबाइल था बटम्मा वाला था जिसमें सापा वाला खेलता था, धीरे धीरे मोबाइल वाला स्टैंडर्ड आया, धीरे धीरे क्या करने लगे, बात करती मतलब गेम थोड़ा स्टैंडर्ड खेलने लगे, धीरे धीरे वीडियो कॉल आ गया ना, आ गया, उसी प्रकार जो पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ उतना डेवलप नहीं था, धीरे 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 सूक्ष्मदर्शी को धीरे धीरे डेवलप करने लगा, यानी और हाई पावर के सूक्ष्मदर्शी बनाया, तो नोल एवं ईरस्का आया ना, तो बना दिया कौन सूक्ष्मदर्शी, तो बना दिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, क्या बना दिया, यानी ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी बना दिया जिससे हम क्या देख सकते हैं, तो जिससे हम इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, तो कोशिका भी देख सकते हैं, कोशिका के अंदर और क्या क्या है हम आराम से देख सकते हैं, तो उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया तो कोशिका
कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज बहुत चीज विद्यमान है, सबके एक एक पढ़ेंगे। लाइसोसोम है, लाइबोसोम है, अंत परिद्रव्य जालिका है, गोल्जी का है, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबके बारे में धीरे धीरे क्या हुआ, पता चला, क्या हुआ, पता चला, समझ आ गया। तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, तो नोल एवं इरस्का, नोल एवं इरस्का, कोई दिक्कत है, दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान, तुम लोग पूछेगा ना कि सबसे कोशिका जो है तो बता दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका है, पूछेगा ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, क्या बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका है, बता दे जल्दी, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका। तो एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, याद रखना, क्या बोल रहे हैं, माइकोप्लाज्मा, माइको यानी इतना छोटा है, सबसे जितना भी जीव है सब में कोशिका है, तो सबसे ज़्यादा छोटा किसका है, इसी का है, माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम, याद रहेगा, तो बोलेगा बता सबसे छोटा कोशिका किसका है, तो बोलना माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम, कोई दिक्कत है। अब तुमने बोलेगा छोटा तो बता दिए, बड़का बता, अरे बड़का भी होगा ना, तो बता दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका किसका है, जल्दी बता दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन जीव का है, बोल दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुर्मुर्ग के अंडा किसका है, याद रखना किसका है, शुतुर्मुर्ग के अंडा किसका है, शुतुर्मुर्ग के अंडा का है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका किसका होगा, शुतुर्मुर्ग के अंडा, शुतुर्मुर्ग के, शुतुर्मुर्ग का अंडा जो होता है ना वो लगभग 2 kg का होता है, कितना होता है, कितना होता है, यानी एगो खा, ये सब पोटिया खाता है, इतनी ना होता है, शुतुर्मुर्ग का अंडा खा लेना 2 kg का होगा, फिर 20 दिन भूखने लगेगा, ठीक है ना, तो 2 kg होता है, कितना होता है, समझ तुम लोग आ गया, शुतुर्मुर्ग तुम लोग देखा है, शुतुर्मुर्ग बहुत बड़ा जीव होता है, हम लोग से भी लंबा एकदम होगा, और दौड़ेगा बहुत तेज, एक बार मारेगा टेंगड़िया तो फेंका जाएगा, चल जाएगा नानी घर, ठीक है ना। तो दुनिया से बड़ा कोशिका कौन है, तो शुतुर्मुर्ग का अंडा, शुतुर्मुर्ग का 2 kg होता है, कितना होता है। अब तुम लोग बोलेगा कि ये तो ठीक है, अब हम लोग को बताओ कि हम लोग का शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो हम देख लिए दुनिया के देख लिए ना, लेकिन तुमने बोलेगा कि मानव के शरीर के सबसे छोटा कोशिका कौन है, मानव के शरीर के सबसे बड़ा कोशिका कौन है, और मानव के शरीर के सबसे लंबा कोशिका कौन है, 3 question बन रहा है, नहीं बन रहा है, पूछेगा ना। तो उससे पहले तुम्हें बता देना चाहते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, दो और मेरा चैनल है, एक है जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग ये मेरा कॉमेडी वाला है, इसको भी तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना, जगदेव ब्लॉग को सर्च मारना, नहीं मिल रहा है तो मेरा ये फोटो दिखाई दे रहा है, जगदेव क्लासेज वाला, उस पर क्लिक करना, उसमें भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक तो मेरा है GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन का, GK GS मस्ती, इसमें GK GS चाहे कोई भी हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, ठीक है, सबको पढ़ाया जाता है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना जो पढ़ रहा है, ठीक है। चलो तो इसको मिटाएं, आपको दिक्कत है, तुम स्क्रीन शॉट ले सकता है। चलो आप देखते हैं क्या, आप देखते हैं मानव शरीर का किसका, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा एगड़ा यहाँ ध्यान दे, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका देखेंगे, फिर देखेंगे मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे छोटा ना है क्या, समझ रहे हैं इसके मतलब, बड़ा कोशिका, बड़ा, अब तुम लोग बोलेगा छोटा बड़ा तो पढ़ लिए, छोटा बड़ा तो पढ़ लिए, अब लंबा बता दो, लंबा बड़ा तुम लोग अंतर समझता है, लंबा बड़ा में, लंबा बड़ा तुम लोग अंतर समझता है, ऐसे बोलेंगे लाल किला, तो लाल किला क्या है, बड़ा है यानी फैलल है, फैलल ना है। अब बोलेंगे यह बोलेंगे क्या, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार क्या है, लंबा है ना है। बोलेंगे टावर, तो टावर क्या है, लंबा है, समझा ना, तो बड़ा में तो होता है फैलल, जैसे मोटा आदमी कौन चाहिए, बड़ा है, और पतला आदमी कौन चाहिए, लंबा है, समझ आ गया ना। चलिए ध्यान दे, ये बंदर, तो एगो देखेंगे क्या, एगो देखेंगे ये लोग, दोनों जन अभी तुम बता रहे, तो रुक, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, चल देखे ना, तो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका जो है ना वो पुरुष में पाया जाता है, महिला में ना है, किसमें, पुरुष में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं, शुक्राणु, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये पुरुष में पाया जाता है, महिला में ना है, ठीक है ना। अब पूछेगा मानव शरीर का सबसे छोटा सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो महिला में पाया जाता है, पुरुष में ना है, उसका नाम है अंडाणु, क्या है, समझ आया, तो दोनों मानव में ना, और बोलेगा मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका किसमें है, तो दोनों में पाया जाता है, पुरुष हो चाहे महिला हो, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, पता है कि नहीं तुम लोग को, या इसी को बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, दसवां तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, न्यूरॉन कोशिका क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया,
और यही देखो यही शुक्राणु अंडाणु मिलता तो क्या बनता संतान, क्या बनता है? तो ये शुक्राणु हो गया मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका और अंडाणु हो गया मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका। ये पाया जाता है पुरुष में, कहाँ पाया जाता है? पुरुष में, और ये पाया जाता है महिला में। कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ते हैं, आप देखते हैं कोशिका के अंदर हम घुस रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन शुद्धदर्शी की खोज हो गया ना, और कोशिका एकदम अंदर घुस जाएंगे और खखोर को निकालेंगे क्योंकि उसमें है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? अब तुम लोग ध्यान दो, तो कोशिका दो तरह होता है, दो तरह होता है ना। तो कोशिका होता है दो तरह, कितना होता है? दो तरह होता है, ठीक है। एक होता है क्या? एक होता है पादप में। पहले यहाँ ध्यान दो, कोशिका को पहले हम बांट रहे हैं दो भाग में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, जीव को हम पहले बांट रहे हैं दो भाग में, कितना भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में बांट रहा है, ठीक है, दो भाग में बांट रहा है, ठीक है ना। जिसके पास जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर रहे बनेगा उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे? तो सिंपल बात है, कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो सिंपल बोलना है कि जिसका शरीर एक कोशिका से सिर्फ बना है उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव किसे बोलेंगे? बोले के लूर ना है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो, बहुकोशिकीय जीव है। चाहे वो चींटी हो या खोटा हो या पिपरी हो या हाथी हो, ठीक है ना, सब बहुकोशिकीय है। क्या है? यानी जितना हम दुनिया में जीव देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब क्या है? बहुकोशिकीय। क्या है? और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, सिंपल बात है, कोशिकीय होगा। तो यहाँ ध्यान दें, तो एक कोशिकीय में तुम लोग याद रखना कुछ नाम, एक कोशिकीय में से माइक्रो प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया? अभी बताए थे माइक्रो प्लाज्मा, ना बताए थे माइक्रो प्लाज्मा गैल सेप्टिकम, ना बताए थे अभी अमीबा क्या हो जाएगा? तुम लोग को बताया था कि अमीबा का जो आकार होता है निश्चित ना होता है, इसका हर सेकेंड आकार बदलते रहता है, बताए थे ना, ठीक है ना। उसी प्रकार हो जाएगा शैवाल, क्या हो जाएगा? शैवाल क्या हो जाएगा? ये सब क्या है, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा युगलीना, क्या हो जाएगा? युगलीना। इस सबका पिक्चर हम यहाँ दिखा ना सकते हैं, ठीक है, नाम याद कर लेना। उसी प्रकार हो जाएगा पैरामीशियम, क्या हो जाएगा? पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये सब क्या है? कोशिकीय जीव। क्या है? अब बोलेगा बहुकोशिकीय कौन होगा? तो लिखना सब, तुम लोग जानता है, आदमी, गधा, बैल, जानवर, ठीक है ना, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भी क्या है? बहुकोशिकीय है ना, है इतना बड़ा पेड़ है तो बहुकोशिकीय ना है, समझ आ गया। तो इसमें आ जाएगा जितना लिखना लिख दे, सभी जानवर, सभी जानवर, सभी पक्षी, ठीक है ना, ठीक है, सभी पेड़ पौधा जो हम देख रहे हैं, सब क्या है? सब बहुकोशिकीय है। अब यहाँ पर कितना नाम लिखेंगे? हाथी, बैल, कुत्ता, बकरी, कितने लिखेंगे? लिखेंगे क्या? इतना कोई दिक्कत है? अब तुमने बोलेगा कि बताओ कि जंतु का कोशिका और पेड़ पौधा कोशिका में कुछ अंतर होता है कि? तो हाँ होता है। जंतु कोशिका जो है ना होता है गोल, क्या होता है? गोल, क्या होता है? और जो पेड़ पौधा कोशिका होता है ना वो होता है चकोर, क्या होता है? याद रहेगा? तो यहाँ ध्यान दे, चकोर मतलब ना समझ रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा या ऐसे ऐसे, यहाँ ध्यान दे, ऐसे 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 मतलब इस तरह बना रहेगा, ये हो गया चकोर हो गया, यानी गोल नहीं रहेगा तो हो जाएगा चकोर, समझ तुमने कहा, या ऐसे रहेगा तो ये चकोर है ना, बंदरी एकदम ले रहा है। चकोर मतलब चकोर बना, समझ लेना जो रोटी वाला होता है, यहाँ ध्यान दे। तो कोशिका, यहाँ देख, अब हम ध्यान से पढ़, तुम लोग ध्यान देगा तो यही याद हो जाएगा। कोशिका तो एक होता है पादप कोशिका, क्या होता है? पादप मतलब समझ रहा है ना, पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। एक होता है जंतु कोशिका, क्या होता है? जंतु कोशिका यानी हम लोग, ठीक है ना, हम लोग जानवर, पक्षी सब, ठीक है, चूहा, बकरी सब। पादप कोशिका का जो होता है आकार जो होता है क्या होता है? बताए थे चकोर, क्या बताए थे? चकोर होता है। और जंतु कोशिका का जो आकार होता है कैसा होता है? वो होता है गोल, क्या होता है? कोई दिक्कत है? अब हम देखें, यहाँ पढ़ लिए कोशिका के बारे में, हम पढ़ लिए थे, फड़े थे ना, अब कोशिका के अंदर में घुस रहे हैं, ठीक है ना। चीर फाड़ के अंदर घुसेंगे या देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है, तो बहुत चीज़ मिलेगा, सबके बारे में को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम लेते हैं पहले जंतु कोशिका, क्या लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये हम बना लिए, यहाँ पर क्या है बना लिए? जंतु कोशिका, क्या बना लिए? बना लिए ना। जैसे हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग के शरीर पर क्या है? सठन। उसके बाद कोशिका के ऊपर, कोशिका के ऊपर भी क्या होता है? वो सठ होता है, क्या होता है? यानी वो थैला होता है, यानी वो झिल्ली होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो पहला हम देख रहे हैं क्या? कोशिका झिल्ली। पहले क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। यानी मान लो क्या है कोशिका? क्या है? तो इसके ऊपर एगो सटवा पिल्ले रहेगा, ये हो, यानी इसके ऊपर एगो आवरण रहेगा, थैला रहेगा। जैसे तुम्हें मोयला खाता है ना, तो मोयला के ऊपर कैसे ग्रसवा लगा देता है, अंदर से कवरवा लगा देता है, हो गया ना। उसी प्रकार इसके ऊपर भी एक कवर होगा, क्या होगा? यानी वो झिल्ली होगा, क्या होगा? इसके ऊपर भी एक झिल्ली होगा, जिसको बोलेंगे क्या? जिसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। तुम लोग कोशिका झिल्ली को नमे रख दिया स्कूल हम की, यहाँ ध्यान दे। तो इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, क्या बोलेंगे? डे बंदर, यहाँ ध्यान दे, क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे,
अब तुम लोग बोलेगा देख कोशिका झिल्ली जो है ना दोनों में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में भी पाया जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ समझ? बोले कोशिका झिल्ली किससे पाया जाता है, देखें दो चार डंग भर जाएगा गरा जंतु कोशिका दोनों अति सॉरी कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी, कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा होगा जो जंतु में सिर्फ पाया जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो पादप में पाया जाएगा, तो बताएंगे। लेकिन ये जो दोनों में दोनों में आते इसके बारे में कुछ लिख रहा है, लिखेंगे सिंपल लिखेंगे यह दोनों में पाया जाता है, दोनों में तो समझ जाएगा ना, ना समझेगा कि यह दोनों में पाया जाता है, यह दोनों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है किसका बना होता है, तो याद रखना है जो बना होता है ना, ये बना होता है, बना होता है किसका, तो लिपिड प्रोटीन, क्या बोलना है, लिपिड प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, लिपिड मतलब ऐसा प्रोटीन, ठीक है ना, तो लिपिड प्रोटीन का मिलकर बना होता है। अब बोले ऐसा कार्य देखते हैं, क्या ऐसा कार्य, इसका कार्य क्या है, इसे कुछ काम होगा ना, तो सिंपल बात है जब उपरा में इसका काम कौन सी होगा, कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। अरे मोबाइल पर ग्रसवा कहाँ लगाता है, कमर पर कहाँ लगाता है, मोबाइल की सुरक्षा प्रदान करना, उस प्रकार इसका भी काम क्या है, तो सुरक्षा प्रदान करना। तो बोले हैं क्या इसका काम क्या है, तो कोशिका का सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका का सुरक्षा प्रदान, कोशिका का यहाँ ध्यान दे, कोशिका का सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना हो गया। और इसका काम क्या है, तो सिंपल बता जाओ उपरा से लगल है तो क्या कर रहा है, और इसका काम क्या होगा, तो कोशिका का आकार प्रदान करना, आकार ना प्रदान कर रहा है, उपरा से लग रहा है आकार दे रहा है, इसका इसका दूसरा काम क्या हो गया, तो कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना, आकार प्रदान करना, कोई दिक्कत है, पढ़ लिया ना। अब कोशिका झिल्ली को देख लिए, कोशिका झिल्ली के थोड़ा अब अंदर घुसेंगे, कहाँ घुसेंगे, अब थोड़ा चीर कर अंदर घुसना, ऑपरेशन करना है, देखना अंदर में क्या क्या है। जब अंदर घुसेंगे कोशिका झिल्ली के, ठीक है ना, तो जब कोशिका अंदर घुसेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें द्रव भरा है, क्या भरा है बताया थे ना अभी, ना बोले थे इसके अंदर में जो है क्या है, द्रव भरा है, क्या भरा है, द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, द्रव क्यों भरा होता है बताएंगे, इसे अंदर में क्या भरा है, द्रव, क्या भरा है, तो इसको बोलेंगे कोशिका के अंदर भरा है, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव, क्या बोलेंगे कोशिका, तो दूसरा नंबर पढ़ना है कोशिका द्रव, क्या पढ़ना है, तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो बोलना है कोशिका के अंदर, कोशिका के, या इस तरह बोलना है क्या, यहाँ मान लो यहाँ क्या केंद्र, क्या है बताते हैं जो केंद्र में, क्या बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं, तो बोले कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो बोलना है क्या, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला द्रव, क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, कोई दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कोशिका, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच पाए जाने वाले, पाए जाने वाले द्रव को, पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, कोई दिक्कत है, अब यह ध्यान दे। अब जब कोशिका द्रव में देखेंगे कि और कौन सी है, तो जब कोशिका द्रव में देखेंगे और क्या कैसे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा एक थोड़ा, देखिए यहाँ पर एक तो मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मिलेगा, जब कोशिका के अंदर हम चीर फाड़ के घुस गए, हम खोजने के लिए हम खखोर के निकालेंगे क्या क्या है, तो वो मिला माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मिला, तो अगला पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, हम ध्यान से देख, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम सिंपल है, हम लोग बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन खाते हैं छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, जब पाचन होता है तो कहाँ जाता है, फिर उसको ऊर्जा चाहिए, कहाँ, तो ऊर्जा चाहिए प्रत्येक कोशिका की चाहिए, क्योंकि हम लोग का शरीर पूरा कोशिका में बना है, तो सब कोशिका को ऊर्जा चाहिए ना, और सब कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, तो सब कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ बनता है, तो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ बनता है, ठीक है, तो बोला बता कि ऊर्जा निर्माण करने वाला कौन है, तो क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलना है, बोलेंगे कोशिकीय शोषण, कोशिका में शोषण कहाँ होता है, तो क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आ गया ना, बोलेंगे कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अरे ऊर्जा घर यही ना, क्योंकि ऊर्जा तो यही बना रहा है, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, बोलेंगे उसी को इंग्लिश में बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस, समझ रहा है ना, किसका, तो सेल का, किसका, कौन कौन चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन चीज आएगा, कोई दिक्कत है, इसके बारे में क्या बताया था, इसके बारे में पहले बताए थे, इसके बारे में पहले बताए थे कोशिकीय शोषण का केंद्र, क्या बताया थे, यानी कोशिका में जो शोषण होता है उसका केंद्र, तो कोशिकीय शोषण का केंद्र, कोशिकीय शोषण का केंद्र, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है, बोलेंगे तुम्हें बता कि कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा घर कौन है, तो क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलना है, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल मतलब कोशिका,
तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। दिक्कत है, अरे क्या माइटोकॉन्ड्रिया जब अंदर और जब घुस के देखेंगे, ठीक है ना, हम पूरा अंदर घुस जाना है। जब पूरा अंदर घुस के देखेंगे तो इस तरह इसमें मिलेगा अंगुली नुमा संरचना बोलेगा मिलेगा। क्या मिलेगा? इस तरह अंगुली नुमा संरचना मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? तो तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, बता कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला अंगुली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? तो बोलना क्रिस्टी। क्या बोलना है? क्रिस्टी। इसको मिटाएं। समझ गया तुम लोग? तुम समझा रहे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंगुली नुमा संरचना होता है, अंगुली नुमा संरचना होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है ना। और फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या रहेगा? द्रव रहेगा। क्या रहेगा? उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इतना तो लोग समझ आया। फिर तुम लोग बोलेंगे कि बता माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अरे कोई इसका खोज किया होगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉन्ड्रिया का जो खोज करने वाला था, जो खोज करने वाला है, उसका नाम है अल्टमैन। क्या है? अल्टमैन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को खोज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम नहीं रख पाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज कर दिया और अपने दोस्तों पर चल गया। इसका दोस्त नाम था बेंडा। क्या था? क्या नाम था इसका दोस्त का नाम? इसका दोस्त का नाम था बेंडा। क्या था? तो बेंडा के पास गया, खोज कर दिया। अब बेंडा जब पूछा, देखो कौन चीज़ हम खोज कर दिए, तो बोला था कि हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम रखते हैं? तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? तो बोला बेंडा। क्या बोलना? तो ये नामकरण किया। क्या किया? नामकरण। क्या किया था? तो बोला खोज किसने किया? तो बोलना अल्टमैन। क्या बोलना? समझ तुम लोग आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए ना। अब और वैज्ञानिक आया, सोचा कि वैज्ञानिक काम वही है कि हम पूरा खगोल के निकालना। तो और वैज्ञानिक आया, तो जब वैज्ञानिक एक ठो आया था, देखिए यहाँ पर, और जब एक वैज्ञानिक आया तो वो देखा था, यहाँ ध्यान दे, वो देखा था कि यहाँ पर जो है ना एक ठो लाइसोसोम है। क्या है? यानी इसमें जो कोशिका के अंदर एक ऐसा भी अंग है, देखिए यहाँ पर, जो अभी हम कोशिका के अंदर जो एक को पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है? कोशिका के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के अंग हो गया। क्या हो गया? कोशिका के, यानी हम पढ़ रहे हैं कोशिकांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? कोशिका का अंग हो गया। ये बोल रहे लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या हो गया? कोशिका का अंग हो गया। केंद्र क्या हो गया? तो कोशिका का अंग हो गया, यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी पढ़ेंगे लाइसोसोम। किसके बारे में पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे लाइसोसोम। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, तो देखा ये क्या है लाइसोसोम? तो कुछ वैज्ञानिक आया हुआ अंदर कोशिका के अंदर, जब घुस के और देखा तो उसको मिल गया लाइसोसोम। कौन मिल गया? तो लाइसोसोम का काम क्या है जानता है? ये कोशिका का एटम बम है। क्या है? तो बोलेगा कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो बोलना है लाइसोसोम को। लेकिन लाइसोसोम के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि लाइसोसोम का खोज किसने किया? खोजा होगा उनको, जिसका खोज किया था, जो खोज इंपॉर्टेंट है हम लिखा देंगे, इसका इंपॉर्टेंट है लिखा दें, इसका इंपॉर्टेंट है लिखा रहे हैं। तो लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे। कौन किया था? डी डुबे। समझ आ गया तुम लोग को? तो बोलेगा लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्या बोलना है? डी डुबे। क्या बोलना है? डी डुबे, ठीक है ना। अब लाइसोसोम का काम क्या है जानता है? ये कोशिका का एटम बम है। क्या है? अगर ये फट गया, ये क्या हुआ? ये फट गया तो जितना भी इसके अगल बगल में जितना भी अंग है सबको मार देगा जान। ऐसा तुम लोग मान लो कि यहाँ बम फट जाएगा, इतना जहाँ पे यहाँ सब बैठे सबके ख़त्म ना हो जाएंगे। तो लाइसोसोम का काम यही है कि सब अगर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है और हम लोग को शरीर के अगर हानि पहुँचा रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? कहेगा तो लोग तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग मेरा बात नहीं मान रहा है, तो जाएगा फट। क्या जाएगा? अपने मरेगा, सबको मार देगा, कहेगा सब अच्छा से काम कर, जितना यहाँ पर अंग है अभी हम बहुत सारा अंग पढ़ाएंगे सबको, लाइसोसोम बोलेगा सब अच्छा से काम कर, ठीक है ना। जो जब देखेगा सब अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसके बाद नहीं मान रहा तो जाएगा फट। क्या जाएगा? फट जाएगा। फटेगा तो सब क्या जाएगा? मर जाएगा। क्या होगा? फटना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं फटेगा, मान लो कि अगर तुम लोग को नहीं फट रहा है, ठीक है ना, कहीं लाइसोसोम नहीं फट रहा है, तो अंग सड़ जाएगा बेकार में। लेकिन जब फट जाएगा तो यानी क्या करेगा? उसको सफा कर दिया, फट के क्या कर दिया? जो वहाँ पर मरा हुआ अंग था उसको क्या किया? सफा। क्या किया? तो बोला लाइसोसोम का थी, लाइसोसोम को क्या कहते थे? बोलना है कोशिका का एटम बम। क्या कहते हैं? एटम बम। जैसे को एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु बम। क्या बोलते हैं? परमाणु बम बोलते हैं। तो समझ आ गया? तो बोले कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? परमाणु बम। क्या कहते हैं? और जब फटेगा नहीं, जब फटेगा तो इससे निकलेगा पाचक एंजाइम। क्या निकलेगा? पाचक एंजाइम निकलेगा, ठीक है ना। पाचक एंजाइम खाना पकाने वाला ना है, इसके बगल में जितना भी आस पड़ोस में जितना भी है सबको पचाने वाला, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या केंद्रक हो, सबको पचाने वाला। समझ आ गया ना? तो पाचक एंजाइम निकलता है किसके पचाने वाला? इसके अगल बगल में जितना भी कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। कोई दिक्कत है?
और तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में एक बात और याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना दोहरी नुमा संरचना पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? बंदर यहाँ ध्यान दे, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी नुमा, क्या बोल रहे हैं, दोहरी नुमा यानी इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। सिंपल लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दोहरी झिल्ली पाया जाता है। कितना पर झिल्ली पाया जाता है? यानी एक झिल्ली टेबल करता है और इसके ऊपर एक झिल्ली और रहेगा, यानी दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली रहता है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, जैसे मान लो तुमको क्या, तुम मान लो कि लॉकडाउन में तुम बाहर निकला है, अब पुलिस वाली है तो तीन लाठी दे रही है पिछवाड़ा में, ठीक है ना, तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, तो वहाँ पर लाल हो जाए तो कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिका मर जाएगा। अच्छा, कोशिका मरेगा तो उसको बचाने का काम कौन करेगा? यह लाशोसोम कौन करेगा? लाशोसोम जाएगा, फट क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो वहाँ से जितना भी कोशिका मरा सबको सब क्या होगा, सबको देगा सफा कर देगा, सबको क्या कर देगा, सफा कर देगा, फिर कुछ दिन के बाद अच्छा हो जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को? अब हम पढ़ेंगे लाशोसोम, पढ़ लिए ना, लाशोसोम के बाद पढ़ेंगे, यहाँ चल ध्यान दे, लाशोसोम के बाद पढ़ेंगे हम, यहाँ ध्यान दे, गोल्जी काय किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी काय के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी काय के बारे में, ठीक है ना। अब देख गोल्जी काय का, गोल्जी काय क्या बोल रहे हैं, गोल्जी काय का जो खोज क्या था ना, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, कौन क्या था, यानी गोल्जी काय का खोज जो किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। सब क्या है, कोशिका का अंग, अरे कोशिका का अंदरण पढ़ रहा है, तो क्या है कोशिका का अंग, कोशिका का, तो कैमिलो गोल्जी का, कैमिलो गोल्जी। अब यहाँ ध्यान दो, इसका नाम है गोल्जी, इसी का नाम, इसकी इसी का नाम पर क्या रखा गया, गोल्जी का क्या रखा गया, ये गोल्जी का काम क्या है जानता है, गोल्जी का काम है कि जोन शरीर के जोन अंग को, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है परिवहन, क्या करता है, किसका परिवहन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया, ऊर्जा। और कोशिका का जो दिमागवा है ना वो है केंद्र, केंद्र कौन है, बोलेगा बता कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो बोलना है केंद्रक को, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया। केंद्रकवा बोलेगा, ऑर्डर देगा सबको, क्योंकि केंद्रक है दिमाग है ना, यानी कोशिका का नियंत्रण कौन कर रहा है, केंद्र कौन कर रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया ना, और ऊर्जा खाली इसी पास रहेगा क्या, इसको ढोना है ना, और ढोने काम कौन करेगा, जैसे तुम्हारा घर में मान लो फैक्ट्री खुल गया, तो फैक्ट्री में सामान बना है, फैक्ट्री में रहेगा क्या, इसको ढोने के लिए चाहिए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया ऊर्जा, केंद्र देगा ऑर्डर, किसको ऑर्डर देगा, तो गोल्जी काय को, कहेगा चलो ऊर्जा बना दिया, तुम इसको ढो के पहुँचा, जिसको जहाँ जरूरत है वहाँ तुम उसको ऊर्जा पहुँचा दे। समझ आ रहा है तुम लोग को? तो तुम लोग को सामान अगर फैक्ट्री से निकलता है तो जहाँ ज़्यादा जरूरत होता है वहाँ ज़्यादा सामान पहुँचता है, पहुँचता है ना। ऐसे तुम लोग मान लो दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा काम कौन कर रहा है, पैरवा काम कर रहा है, तो पैरवा को ज़्यादा ऊर्जा पहुँचाएगा कौन, गोल्जी काय, कौन पहुँचाएगा, गोल्जी काय। अभी हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा मुँह का एनर्जी लग रहा है, जीव ज़्यादा ऐसे से हो रहा है, फटफटा रहा है ना, तो जीव को ज़्यादा एनर्जी कौन पहुँचाएगा, गोल्जी का है, कौन पहुँचाएगा, गोल्जी का है। समझ तुम लोग आ गया, तो पूछेगा बता, अरे हंड बोलेगा कोशिका का पर, कोशिका में, कोशिका में ऊर्जा का परिवहन, क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, बोलना है गोल्जी का, क्या बोलना है, यानी इसे बोलते हैं यातायात साधन, क्या बोलते हैं, यानी कोशिका में कुछ कहीं पहुंचाना हो तो यह पहुंचाएगा, इसी को बोलेगा केंद्रक, सुन तुम जाए पहुंचा, नहीं पहुंचाएगा तो क्या करेगा, लाशोसोम को बोल देगा, लाशोसोम फट जाएगा, इसको मार के समाप्त कर देगा, ठीक है ना। तो यातायात का, इसको बोलते हैं यातायात का साधन, क्या बोलते हैं यातायात के, समझ तुम लोग आ गया। अब लेख गोल्जी काय के बाद क्या पढ़ेंगे, गोल्जी काय के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी जाली ऐसा होता है, कैसा होता है, जाली जैसा होता है, ठीक है ना। देख इस तरह होगा, देख यहाँ पर ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से निकलर रहेगा, ठीक है ना, इस तरह निकलर रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से मान लो अगर निकलर है ऐसे, फिर ऐसे लंबा ऐसा रहेगा, तो ये हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या हो गया, यानी जाल जैसा बनेले रहेगा, जाल जैसा ऐसा पिलर ऐसा रहेगा, पिलर जैसा रहेगा, देख रहा है, देख रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है ना। इसका काम क्या है जानता है, ऐसे हम लोग को शरीर सीधा खाए कैसे खड़ा है, तो हड्डी कारण खड़ा है, नहीं हम लोग में क्या है कंकाल है, कंकाल है ना, तो कोशिका का, कोशिका क्यों ना पिचक रहा है, कोशिका में भी क्या है कंकाल, क्या है, और कौन कंकाल है, तो उसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या बोलते हैं, चलिए आ रहे, तो बोलेगा बता कोशिका का कंकाल, क्या बोलेगा, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो बोलना अंतःप्रद्रवी जालिका को, कोशिका का कंकाल, कोशिका का यानी कोशिका का जो आकार जो गोल है वो किसके कारण है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका, उसको पिचकने ना दे रहा, पिचकने ना दे रहा, कोई दिक्कत है। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी। अब देखिए जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश से बोलते हैं, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एंडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं,
ये लोग को फेंक देंगे उसमें आ जाएगा। अंता परद्रवी जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आ गया। अब जो अंता परद्रवी जालिका है दो प्रकार का होता है, कितना होता है? दो प्रकार का होता है। एक वो पूरा एकदम चिकना होता है, क्या होता है? एक तो क्या होता है पूरा एकदम चिकना, एकदम छाछा करेगा, ठीक है, एक छोटा चिकना क्या होता है यहाँ ध्यान, चिकना अंता परद्रवी जालिका, क्या बोल रहा है? चिकना अंता परद्रवी जालिका। और एक जो होगा वह खुरदरा, क्या होगा? उसको उसको ऐसे से करेगा ना तो खर खर करेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा खुरदरा अंता परद्रवी जालिका, ठीक है ना, खुरदरा अंता परद्रवी जालिका, समझ आ गया। इसको इंग्लिश से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे चिकना को बोलते हैं क्या, चिकना क्या बोलते हैं? स्मूथ, क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा स्मूथ, क्या हो जाएगा? स्मूथ। और अंता परद्रवी जालिका को बोलते हैं एंडो, देखा एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा एस ई आर इसको शॉर्ट में, यानी स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आ गया। इसको क्या बोलेंगे तो खुरदरा को बोलते हैं रफ, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रफ करना है, रफ करना नहीं कौन सी करना है, जिससे पता से सीख देना है, अब फिर मतलब अच्छा से लिखते हैं, लिखते हैं तो ये हो गया रफ, ही क्या हो गया, इसको बोलेंगे रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आया तुम लोग को। अब देखिए यहाँ पर अंता परद्रवी जालिका का काम क्या है, तो बसा का निर्माण करना, बसा का निर्माण, बसा बोले तो तेल, तेल बोले तो चर्बिया, समझ आ रहा है ना, चर्बी का निर्माण करना और प्रोटीन का भी निर्माण करना, प्रोटीन का भी, यहाँ समझ तुम लोग क्या बोल रहे हैं। अंता परद्रवी जालिका का काम है चर्बी यानी वसा और प्रोटीन और हार्मोन का निर्माण करना, संश्लेषण करना, निर्माण मतलब संश्लेषण, निर्माण मतलब संश्लेषण करना। अब आनंद ये जो चिकना है ना, जो चिकना रहेगा कौन जाएगा, जिसके जिसके बजाय चर्बी रहेगा वो रहेगा चिकना, क्या रहेगा? चिकना, ठीक है ना। तो जो यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो जो चिकना अंता परद्रवी जालिका है ये वसा बनाता है, क्या बनाता है? वसा संश्लेषण करता है, देखो ना यहाँ ध्यान दे, ये वसा संश्लेषण करता है, कैसे संश्लेषण करता है? वसा का संश्लेषण करता है। और जो खुरदरा अंता परद्रवी जालिका है इस पर क्या होता है जानता है? इस पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन इस पर रहता है फेंका हुआ, प्रोटीन का कण रहता है, क्या रहता है? प्रोटीन का कण रहता है। तो प्रोटीन का जब कण रहेगा तो खुरदरा तो रबेन करेगा, देखिए आप इस पर है वसा, तो वसा क्या होता है? तेल होता है, और तेल किसी लगा दो तो छाछा करेगा, चिकना हो गया ना। अब किसी पर प्रोटीन फेंक दो, प्रोटीन हो तो दाना जैसा होगा, और दनमा रहेगा तो खुरदरा संलग्न भी करेगा, तो ये कहता है प्रोटीन का संश्लेषण, कैसे करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, समझ आ गया। इसलिए इसको बोलते हैं खुरदरा, क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग का आ गया, समझ तुम लोग का आया रे, यानी देख जो खुरदरा रहेगा ना, जैसे मान लो कि है चिकना है, क्या है इस पर जो है कुछ दाना ऐसा नहीं रहेगा, दाना दाना नहीं रहेगा। और मान लो कि क्या है ये खुरदरा, क्या है इस पर रहेगा दाना दाना, क्या रहेगा? दाना दाना, दाना दाना क्या रहेगा? तो रहेगा प्रोटीन, क्या रहेगा? प्रोटीन, क्या रहेगा? प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, कोई दिक्कत है? तो बोलेगा अंता परद्रवी जालिका का क्या काम है, तो बोलना वसा प्रोटीन और हार्मोन का संश्लेषण करना, हार्मोन का संश्लेषण करना। बोलेगा कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो बोलना अंता परद्रवी जालिका, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ेंगे लाइबोसोम, क्या पढ़ेंगे? लाइबोसोम, क्या पढ़ेंगे? लाइबोसोम भी जितना हम पढ़ा रहे हैं, समझ तुम लोग हम जो क्या बोल रहे हैं, जानवर यहाँ ध्यान दे, जितना भी तुम लोग पढ़ा रहे हैं ना, सब कोशिका के अंदर से हम खोज के निकाल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, जितना भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं सब कोशिका के अंदर से हम खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, समझ रहा है ना। तो लाइबोसोम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? लाइबोसोम जो रहेगा ना इसी पर रहेगा, जहाँ प्रोटीन रहेगा ना, प्रोटीन के मतलब अंता परद्रवी जालिका पास ही रहता है लाइबोसोम, क्या रहता है? क्योंकि लाइबोसोम का काम क्या होता है बताएंगे, तो लाइबोसोम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइबोसोम का जो खोज किया था ना, क्या था? पाइलाडे, कौन क्या था? कौन क्या था? पाइलाडे, ठीक है ना। और लाइबोसोम का काम क्या जानता है? यह अंता परद्रवी जालिका पास रहेगा और ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, क्या है? बोलेगा प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, तो बोलना लाइबोसोम, क्या बोलना? लाइबोसोम, यानी क्या करेगा? अंता परद्रवी जालिका बोलेगा इसको लाइबोसोम को कि जान बना प्रोटीन, देखेगा प्रोटीन बोला है तो बना देगा प्रोटीन, यानी फैक्ट्रिया है, क्या है? फैक्ट्रिया, क्या है? तो बोलेगा बता प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का बंदर, यहाँ प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइबोसोम, लाइबो। अब तुम लोग बोल कोशिका में जितना भी अभी अंदर हम खोज खोज के पढ़ रहे हैं ना, सबको अंदर में घुस घुस के खोज खोज के निकाल रहे हैं, तो जितना भी कोशिका के अंदर है, यानी कोशिका के अंदर जितना भी अंग है, यानी कोशिकांग, कोशिकांग, उसमें सबसे छोटा कौन है? तो यही राइबोसोम है, क्या है? तो बोलेगा सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो बोलना है राइबोसोम, क्या बोलना है? क्या बोलना है? सबसे छोटा, क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिकांग कौन है? तो बोलना है
राइबोसोम, क्या बोलना है? राइबोसोम को दिक्कत है, बोलेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम किसे बोलते हैं? राइबोसोम को दिक्कत है। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो पहला आडे कौन किया था? पहला आडे किया था। अब आगे देखते हैं, बोर्ड में बता रहे हैं, अब छोड़ना, चलिए आगे। अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। अभी हम केंद्रक के बारे में नहीं पढ़े थे, खाली केंद्रक के बारे में बता दिए कि केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन किया था, बताया था ना, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं केंद्रक, क्या देख रहे हैं? केंद्रक भी क्या है? तो कोशिकांग है। अरे बंदर, केंद्रक भी क्या है? कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है ना। लेकिन केंद्रक जो है ना बीचा में बैठा है, बीचा में बोला कहीं का जो है ना उठा पटे फट जाएगा जाम कहीं का। केंद्रक भी क्या है? केंद्र बीच में बैठा है ना, तो कोशिकांग है। क्या है? लेकिन केंद्र जो है ना बीच में बैठ के सब पर नज़र रख ले कि कुछ कौन अच्छा अच्छा काम कर, इसको बोलेगा ए माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊंजा बना, इसको बोलेगा अति एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को यानी अंतः परिधीय जालिका को बोलेगा तुम पोषा बना, प्रोटीन बना, हार्मोन का संश्लेषण कर। राइबोसोम को बोलेगा तुम राइबोसोम तुम फैक्ट्री जो है प्रोटीन का फैक्ट्री है तुम प्रोटीन बना। यहाँ पर लाइसोसोम को बोलेगा लाइसोसोम को बोलेगा कि देखना तुम लोग ये सब अच्छा काम नहीं करेगा ना, तो तुमको बोलेंगे फटना तुम फट जाना। इसको बोलेगा यहाँ पर क्या है गोलजी का है, क्या है गोलजी का है, कोई माटी बोलेगा क्या केंद्रक बोलेगा कि तुम्हारा काम है कि जो ऊर्जा बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तुमको तुम्हारा काम है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना यानी परिवहन का काम करना, परिवहन के यानी सब कोडर कौन दे रहा है? केंद्र कौन दे रहा है? अगर केंद्र की बात नहीं मानेगा तो जाके बोलेगा किसको बोलेगा? तो लाइसोसोम चाचा को बोल देगा, यानी लाइसोसोम चाचा को बोल देगा ये चाचा जाएगा फट जाएगा सब जाएगा मर, समझ आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर तो केंद्र क्या है? केंद्र को कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका का, चलिए अंड। तो बोलेगा कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? केंद्रक। क्या बोलना है? केंद्रक। बोलेगा कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पड़ रहे हैं, तो कोशिकांग का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन कर रहा है? केंद्रकन कर रहा है। तो बोलना है केंद्रक। क्या बोलना है? केंद्रक बोलना है। अब केंद्रक में जो है ना, यहाँ केंद्रक में जो पाया जाता है ना, पाया जाता है DNA। क्या पाया जाता है? पहले देख पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और तुमने पढ़ा हो कि मानव शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, पढ़ा है? 23 जोड़ा यानी 46 गो, ठीक है ना। तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होता है यानी 23 जोड़ा होता है, यानी 23 जोड़ा क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? और गुणसूत्र के अंदर जब अंदर और घुसेंगे ना तो मिलेगा DNA। क्या मिलेगा? और RNA। क्या मिलेगा? RNA मिलेगा। DNA और RNA मिलेगा। और जब DNA के अंदर भी हम पूरा घुस के जाएंगे अंदर, एकदम पूरा चीर को ऑपरेशन करके देखेंगे तो मिलेगा क्या? तो मिलेगा जीन। क्या मिलेगा? जीन। यानी DNA के अंदर मिलता है जीन। क्या मिलता है? जीन यानी भूताला जीन ना, ठीक है ना। जीन तुम्हारा क्या है जानता है? जीन का काम है क्या, समझ रहा है? जीन का काम है कि अनुवांशिक गुण समझ रहा है ना, कि तुम जो जन्म लेगा तो तुम्हारा मतलब तुम काला होगा कि गोरा होगा कि नाटा होगा कि लंबा होगा कि तुम्हारा जो आँख जो है नागिन जैसा होगा कि किरण होगा, तुम्हारा बाल काला होगा सफ़ेद होगा, इसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण। क्या बोलते हैं? तो अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ले आने में यानी तुम्हारा दादा से तुम्हारा पिताजी में, तुम्हारा पिताजी से तुम्हारा में जाएगा, तुम्हारा से तुम्हारा बाल बच्चा में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ले आने वाला कौन है? जीन। कौन है? समझ रहा है ना। इसको ले आने वाला कौन है? जीन। कौन है? जीन है, ठीक है ना। तो जीन किसे पाया था? DNA किसे पाया था? DNA पाया था, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा कि DNA फुल फॉर्म क्या है? तो बोल तुम लोग पूछेगा बताओ DNA RNA और क्रोमोसोम किसे पाया जाता है? तो बोलना केंद्र। क्या बोलना है? DNA RNA और क्रोमोसोम किसे पाया जाता है? केंद्रक में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, बोलेगा DNA फुल फॉर्म क्या है? क्या जल्दी बताओ। तो तुम लोग फिल्मिया लाने बता देना, फिल्मिया क्या बोलता है? फिल्मिया बोलता है डायडी नाइलाज औलाद बोलता है, तो उन्हें बोल देना। नहीं बोलता है डी से डायडी, एन से नाइलाज, नाजाज और ऐसे औलाद, तो उन्हें बोल देना है। DNA फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो। क्या होता है? राइबो। डीऑक्सी राइबो और एन से न्यूक्लिक, एन से न्यूक्लिक और ऐसे एसिड, ऐसे समझ तुमने कहा। तो पूछे बता DNA फुल फॉर्म क्या होता है? डी से डीऑक्सी राइबो, डी से डीऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक ऐसे एसिड। बोलेगा RNA फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं भाई लोग पता है। आर से राइबोज, आर से राइबो, राइबोज मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? क्योंकि यहाँ बताया था कि राइबो 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 प्रोटीन का फैक्ट्री है ना, तो राइबोज मतलब क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है?
तो आरएनए काम बोलेगा, आरएनए काम क्या है तो बोला प्रोटीन का निर्माण करना, कि आर मतलब राइबोज, राइबोज मतलब प्रोटीन, तो राइबोज एन से न्यूक्लिक, एन से न्यूक्लिक, आर से एसिड, समझ आ गया तुम लोग को। तो केंद्र के बारे में, केंद्र के बारे में पढ़ लिए ना। अब हम, अब एगो वैज्ञानिक और आया, ठीक है ना, वो बोला केंद्र का खोज तो कर दिया है, हम केंद्र के अंदराम घुस के देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो केंद्र के अंदराम घुस गया, क्या घुस गया, केंद्र के अंदराम को एगो आया कि जबरदस्ती घुस गया, घुस गया। जब केंद्र के अंदराम घुसा तो एगो और गोल असल मिला, ठीक है ना। तो जब केंद्र के अंदराम मिला तो उसको बोले केंद्रिका, क्या बोल देंगे, तो बोले बता यहाँ ध्यान दे केंद्रिका, क्या बोल रहा है, तो बोले केंद्रिका कहाँ पाया जाता, पाया जाता, बोलना केंद्र के अंदर, केंद्र के अंदर, क्या बोलना है, केंद्र के अंदर, तो केंद्र के अंदर केंद्रिका पाया जाता, क्या क्या पाया जाता है, तो केंद्र के केंद्रिका, केंद्र का अंदर, केंद्र का अंदर पाया था केंद्रिका, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग को पढ़ाए थे हम क्या, देखें यहाँ पर पढ़ाए थे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जंतु भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, दोनों ऊर्जा चाहिए, सिंपल बात है ना। पढ़ाए थे अंतःप्रदर्भी जालिका, तो जंतु भी और पादप में भी, कोई दिक्कत है। फिर पढ़ाए थे इस पर क्या, राइबोसोम, तो दोनों में, ठीक है ना। फिर यहाँ तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है, ठीक है ना। मान लो कहीं पर हम लोग गिर गए, भटक गए, या कोई पुलिस हमको डगा दिया, तो वहाँ चोट लगे तो उसको मरम्मत कौन करेगा, तो यह करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो लाइसोसोम की सिर्फ जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। फिर बताए थे क्या, गोल्जी का, क्या पढ़ाए थे, तो गोल्जी का बता, दोनों में ऊर्जा बन रहा है, तो ऊर्जा में तो पेड़ पौधा को जरूरत है ले जाने के लिए, और पाद अति जंतु को जरूरत है, तो गोल्जी का दोनों में, गोल्जी का केंद्रक भी दोनों में, केंद्रक भी और केंद्रिका भी दोनों में, केंद्रिका भी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ तो पढ़ा दिया ना, अब आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, उसके अंदर समझ आए ना, इसको मिटा रहे हैं। चल यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे लवक के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, लवक भी जो है ना कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन लवक के बारे में तुम लोग ध्यान रखना, लवक जो है, गधी कौन सी हुआ, लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तुम लोग को लगता है बायोलॉजी इस तरह पढ़ेंगे तो पागले जाएगा, पागले हो जाएगा तुम लोग, चले गए। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, तो बोलेगा जंतु में पाया जाता है, तो जंतु में नहीं पाया जाता है, तो क्या बोलना है, तो लवक सिर्फ पादप कोशिका, क्या बोले, पादप कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है, इतना कोई दिक्कत है, यानी खाली पादप में पाया जाएगा। और लवक जो है ना ये तीन प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, यहाँ ध्यान दे, लवक जो है तीन प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ओवर्णी लवक, क्या बोलते हैं, ओवर्णी लवक, ठीक है, एक को बोलते हैं वर्णी लवक, क्या बोलते हैं, वर्णी लवक, आइए पढ़ाएंगे। और एक को बोलते हैं हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक, को दिक्कत है, देखिए आप रही, ओवर्णी लवक जो है इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, और इसको बोलेंगे क्या, जल्दी बता दे, क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ ध्यान दे, तीनों का काम क्या है, हम बताए थे ना कि पाया जाता सिर्फ पादप में, किसे पाया जाता है, ओ वर्णी, देख वर मतलब होता है रंग, वर मतलब क्या होता है, रंग, क्या होता है, रंग होता है, और ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, यानी जिसमें रंग नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे ओ वर्णी लवक, क्या बोलेंगे, अब बोलेगा वर्णी लवक किसे कहेंगे, तो जिसमें रंग पाया जाएगा उसको बोलेंगे वर्णी लवक, क्या बोलेंगे, समझ लो आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, ओ वर्णी लवक जो है ना ये कहाँ पाया जाएगा, तो पेड़ पौधा के जड़ में, कहाँ पाया जाएगा, जड़ के कोई रंग होता है कि लाल, हरा, पीला, नीला, ऐसा जड़ होता है, क्या रंग होता है, जड़ के रंग हो जाता है, तुम लोग किसी का भी जड़ देखना सबके लगभग सेम ही रहता है, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, ब्लू, इस तरह नहीं होता है, होता है कि, तो ये पाया जाता है जड़ में, कहाँ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, तो और पाया जाता है क्या, भूमिगत तना, भूमिगत यानी वैसा तना जो भूमि के अंदर हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं भूमिगत तना, भूमिगत तना, ऐसे आलू क्या है, भूमिगत तना है, भूमि के अंदर है ना, समझ तुम लोग आया, गाजर, मूली, गाजर भूमिगत तना ना, जड़ है, चलिए ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये जो वर्णी लवक है ना उसे पढ़ाएंगे जब, उस समय देखना वर्णी लवक जो है कहाँ पाया जाएगा, सिंपल बताइए, वर्ण है इसमें क्या है, रंग है, क्या है, तो बता, फूल में पाया जाएगा, अरे फूल ना होता है, लाल, हरा, पीला, नीला, काला फूल होता है कि काला फूल ना होता है, तो देखा ना, तो ये पाया जाएगा कहाँ पर, तो पाया जाएगा फूल में, कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, फूल में, और कहाँ पाया जाएगा, तो फल में, फल भी ना होता है, फल देखना, कोई आम है तो पहले क्या है, हरा है,
फिर पीला हो जाएगा ना होता है, तो ये कहाँ पाया यहाँ डांडे, तब ये पाया जाता है फूल और फल में, फूल और जैसे तुमने देखा गाजर का रंग, गाजर भी क्या है फल है, क्या है गाजर भी क्या है फल है, तो गाजर का रंग लाल क्यों होता है, कैरोटीन के कारण, समझ तो लोग आ गया। पूछेगा टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण। पूछेगा चुकंदर का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, तो बिटरनिन के कारण, ठीक है ना। सेब का रंग जो है, सेब भी लाल होता है ना, तो सेब का रंग लाल क्यों होता है, तो मेलानिन के कारण, ठीक है। सबका अलग अलग, इन्हें लाल है तो जरूर नहीं कि एक ही चीज़ के कारण लाल होगा, सबके अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, ये होता है फूल और फल में, फूल और ये हरित लबक जो होता है ना, यहाँ ध्यान दे, हरित लबक जो होता है ये किसे पाया जाएगा, तो पत्ती में, अरे पत्ती का रंग हरा होता है ना, ये पाया जाता है पत्ती में, कहाँ पाया जाता है, जितना भी पेड़ पौधा है सबका पत्ती का रंग क्या हरा, क्या है ना है, तो पाया जाता है पत्ती में, क्या पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लबक के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्या होता है पूछेगा, क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, तो पत्ती के अंदर, किसके अंदर, पत्ती के अंदर होता है, यहाँ समझ लो पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पर्ण हरित, क्या हिंदी बोलते हैं, पर्ण मतलब पत्तियाँ, हरा कर दे उसको पर्ण हरित, क्या बोलते हैं, तो बोलेगा पता पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, बोला क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल अगर ना लिखलते हिंदी में बोला पर्ण हरित के कारण, समझ आ गया। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, पता है तुम लोग को। जैसे पूछेगा हम लोग का रंग खुल रहती रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में कौन तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उसमें क्या क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कोई दिक्कत है, ये तीनों बारे में पढ़ लिया, ये तीनों किसे पाया जाता है, पादप में, किसे पाया जाता है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे एक कोशिका भित्ति, क्या पढ़ेंगे ए बंदर, कोशिका भित्ति किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति, देखिए यहाँ कोशिका भित्ति भी जो है ना ये भी पाया जाता है पादप में, किसे पाया जाता है, यानी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो किसे पाया जाता है, पादप में, तो यह सिर्फ क्या लिख रहा है, यह सिर्फ पादप में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, समझ आ गया तुम लोग को। ऐसे तुम लोग को बोलेंगे बता पादप उत्तक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखो, तो अंतर यह सब काम देगा जो बता रहे हैं कि कौन सिर्फ पादप में पाया जाता है, कौन सिर्फ जंतु में पाया जाता है, वो हम बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना, तो काम देगा, इन्हें खाली हंसी मजाक में पार कर देना, ठीक है। यहाँ डांड तो कोशिका भित्ति, आप कोशिका भित्ति कहेंगे किसको, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ डांड ये हो गया, ये मान लो क्या है, बताया था ना कि पादप कोशिका जो होता था चकोर, क्या होता है चकोर बताए थे, तो ये क्या हो गया कोशिका झिल्ली, क्या हो गया कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, है ना। लेकिन पादप में जो कोशिका के झिल्ली के ऊपर भी एगो आवरण होता है, पादप में कोशिका के झिल्ली के ऊपर भी एगो क्या होता है आवरण, क्या होता है इसके ऊपर भी एगो आवरण होता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति, समझ आ गया। अब तुम्हें बोलेगा कि पादप में तो उसके ऊपर एगो आवरण है, लेकिन हम लोग को शरीर में आवरण कहने दिया भगवान, तो हम लोग को ठंडा लगता है तो थोड़ा कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगता है तो थोड़ा गर्मी लगता है तो घर में घुस के हम ऐसे चालू कर देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं, कूलर चालू कर देते हैं, कर देते हैं ना, नहीं करते हैं, अरे करते हैं, लेकिन बेचारा पेड़ पौधा चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो हमेशा बहरे में रहेगा, तो उसको सेफ्टी के लिए वो चाहिए ना, और ना चाहिए उसको सेफ्टी के लिए, यही उपरांत क्या है कोशिका भित्ति, क्या है समझ तो लोग आया। तो कोशिका भित्ति का काम क्या है, तो कोशिका भित्ति का काम है कोशिका झिल्ली का, कोशिका ए बंदर, कोशिका भित्ति का काम क्या है, तो कोशिका झिल्ली का संरक्षण प्रदान करना ना है, कोशिका झिल्ली का संरक्षण करना, क्या काम है संरक्षण करना, हो गया। अब तुम लोग बोला है कोशिका भित्ति जो है कौन चीज बनल होता है, तो कोशिका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जो बनाता होता है सेल्यूलोज का बना, कैसे बना होता है, तो बोलेगा किसका बना होता है, तो क्या बोलना है सेल्यूलोज, क्या बोलना है सेल्यूलोज, क्या बोलना है सेल्यूलोज, समझ तुम लोग आ गया। पूछा कोशिका भित्ति जो होता है सजीव होता है कि निर्जीव होता है, तो देखिए कोशिका झिल्ली सजीव है, लेकिन कोशिका भित्ति जैसे हम लोग यहाँ पर शर्ट पैंट पहन लिए ना, तो हम लोग अंदर में शरीर बाहर तो सजीव है ना, सजीव है क्या, ना ना, उसी प्रकार कोशिका भित्ति सजीव ना होता, कोशिका भित्ति सजीव तो क्या होता है निर्जीव होता है, क्या होता है निर्जीव, क्या होता है निर्जीव होता है। अरे पेड़ पौधा के ऊपर तुम देखना, जो पपड़िया ना होता है जो तुम नोच लेता है और जला देता है वही कोशिका भित्ति है, पपड़िया ना होता है, पपड़िया तुम लोग नोचेगा तो फिर ना अंदर हमने झका पेड़ पौधा हम चमकते हुए निकलता था, उसका नहीं निकलता है, समझ तुम लोग आ गया। चलिए ध्यान दे, तो क्या होता है निर्जीवी, क्या होता है निर्जीव होता है, कोई दिक्कत है, ये किसे पाया जाता है, तो सिर्फ पादप में पाया जाता है, समझ गया तुम लोग, कोई दिक्कत है इतना में, तो कोशिका भित्ति ही पढ़ लिए ना। अब यहाँ पढ़ेंगे आगे, देख आगे पढ़ेंगे रसधानी, क्या पढ़ेंगे रसधानी में तो समझ रहा है, जिसमें रस भरल हो या पनिया भरल हो उसको बोलते हैं रसधानी, क्या बोलते हैं, तो आगे पढ़ेंगे रसधानी, क्या पढ़ेंगे इसका नाम दे दिए रसधानी, क्या दे दिए, अब रसधानी किसे कहेंगे। अच्छा तुम लोग बताओ रसधानी केवल पादप में पाया जाता है कि जंतु में भी पाया जाता है,
तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर में 65% पानी है ना है, तो हम लोग में भी विरासतानी होगा और पालक में भी विरासतानी होगा, लेकिन ज़्यादा पानी कौन पीता जल्दी बता। हम लोग पीते ज़्यादा पानी कि पेड़ पौधा पीता है, पेड़ पौधा पीता है। और पानी कहाँ जमा होता है, राजधानी में जमा होता है, जमा होता है ना, तो बता राजधानी किसका बड़ा होगा, हम लोग का बड़ा होगा कि पेड़ पौधा का बड़ा होगा, तो पेड़ पौधा का बड़ा होता है। क्या होता है यानी हम लोग का राजधानी जो है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन पेड़ पौधा का जो राजधानी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी। तो पढ़ना है राजधानी, क्या पढ़ना है अगला बंधन या दंड, अगला पढ़ना है राजधानी, क्या पढ़ना है राजधानी। तो लिखना है क्या, राजधानी जो है पेड़ पौधा में बड़ा होता है, पेड़ पौधा में बड़ा होता है, परंतु परंतु जंतु में छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, समझ तुम्हें कहा गया। राजधानी क्या करता है, पानी को इकट्ठा करता है, पानी को जमा करता है, कोई दिक्कत है। अगला पढ़ना है सेंट्रोसोम, क्या पढ़ना है सेंट्रोसोम, सेंट्रो इस तरह वो होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम का काम क्या है जानता है, सेंट्रोसोम का काम है हमारा शरीर को विकास करना, यानी सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना, यानी एक कोशिका एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, यानी इस कोशिका का विभाजन करना कैसा काम है सेंट्रोसोम का, कैसा काम है सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना, कोशिका कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना, ठीक है ना। अब बता हम लोग के शरीर में जो है ना सबसे ज़्यादा कोशिका ज़्यादा जल्दी कहाँ बनता है, तो जहाँ ज़्यादा सेंट्रोसोम होगा, तो हम लोग का शरीर में जो है ना सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ होता है पता है तुम लोग को, तो यकृत सुना यकृत नहीं पढ़ाते यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर, जिसको उर्दू में बोलते हैं जिगर, क्या बोलते हैं, तो उसमें होता है सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम। अगर हम लोग का यकृत जो है ना आधा काट के निकाल भी देगा ना तो लगभग 26 दिन में पूरा फिर बन जाएगा, यानी मान लो तो वो चाकू को भोंक दिया और यकृत में जाकर भोंका गया तो कोई दिक्कत ना होगा, फिर वो अपना अपने आप को बना लेगा, क्योंकि वहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी अपने आप को फिर क्या कर लेगा इलाज, अपने आप कर लेगा, अपने आप क्या कर लेगा इलाज, क्या कर लेगा। अमिताभ बच्चन का जो है अथी हो गया था, अथी क्या बोलता है हेपेटाइटिस हो गया, किस में को अथी यकृत में हो गया, तो उसका जो है यकृत का आधा निकाल दिया था, लेकिन अभी जिंदा है क्योंकि उसका यकृत फिर बन गया था, समय तो लगा गया। लेकिन जो दिमाग है ना, ये दिमाग इसमें सेंट्रोसोम ना रहता है, दिमाग में सेंट्रोसोम, इसलिए दिमाग में बोलता है कि दिमाग में मारेगा तो दिमाग के अंदर जहाँ खोपड़ जाए खुद के अंदर घुस गया तो बचना नामुमकिन है, समझ आ गया ना। इसे बोलता है दिमाग में माथा तो हम नहीं माने, इसलिए कहता है माथा तो हम किसी को मारता तो हाफ मर्डर बोल देता है, नहीं बोल देता है, खाली माथा फूट गया तो हाफ मर्डर, जब कुछ होना हुआ, ठीक है ना। इसे माथा बाकी माथा पूरा मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ समझ। तो सेंट्रोसोम समझ गए तुम लोग, आप देखिए यह है कोशिका मान लो बहुत बनने लगा, क्या बनने लगा मतलब जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बनना लगा, जैसे तुमको जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा ना होगा, उसमें क्या मान लें सेंट्रोसोम जो है बहुत जल्दी जल्दी कोशिका बनाने लगा, बहुत जल्दी जल्दी कोशिका बनाने लगा, तो उससे हो जाता है कैंसर, क्या होता है यानी जौन अंग में, जौन अंग में सेंट्रोसोम ज़्यादा कोशिका बनाने लगा, यानी अनियंत्रित कोशिका बनाने लगा, तो वो अंग में हो जाएगा कैंसर, क्या जाएगा, यानी कैंसर क्यों होता है, तो सेंट्रोसोम के अनियंत्रित कोशिका बनाने से, अनियंत्रित कोशिका बनाने से कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग कैंसर सुना है, तुम लोग कैंसर सुना है कहीं कि पेड़ पौधा में कैंसर होता है, अरे पेड़ पौधा कैंसर होता है, तो कैंसर कैंसर किसको होता है, जीव जंतु को होता है, यानी सेंट्रोसोम किसने कैसे पाया जाता है, तो जंतु में पाया जाता है, समझा तुम लोग। तो सेंट्रोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोई दिक्कत है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोई दिक्कत है ना, ना, ना। हाँ तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, कोई दिक्कत है। और कुछ इसमें बचा है क्या पढ़ाने का, अब लगभग सब हो गया होगा, अब हम बोलेंगे बता, अब तुम लोग को बोलेंगे पादप उत्तक अति पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताओ, अभी बता देगा बताएगा, हाँ बता पहले क्या लिखना है, पहले हम बोल रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताओ, तो लिख देगा पहले क्या लिखना है कि पादप कोशिका चकोर होता है, जंतु कोशिका गोल होता है, लिख दिए। फिर लिखना है कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम को क्या बोले थे, आत्महत्या की थैली नहीं बोले थे, इसी को बोले थे लाइसोसोम को बोले थे एटम बम, क्या बोले थे, या एटम बम को हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्या बोलते हैं आत्महत्या की, यानी जहाँ ये आत्महत्या कर लेगा अपना तो उसके बगल में अगल बगल में जितना रहेगा सबका आत्महत्या हो जाएगा। तो पहले अंतर बता रहे हैं, पहले क्या अंतर लिखना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, पहला लिखना है कि पादप कोशिका सकोर होता है, जंतु कोशिका गोल होता है, पादप कोशिका में जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में लसधानी बड़ा होता है
जंतु कोशिका में राजधानी छोटा होता है, लिख लेगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ये सब क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़, अब हम जो बता रहे हैं वो ध्यान दें। अब हम पढ़ेंगे कोशिका को जो है ना, कोशिका को जो है यहाँ रहने, कोशिका को विकसित के आधार पर दिखाई दे रहा है कि अंधेरा हो गया, देखते दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और बताना। ये जो दो तीन दिन की क्लास तो सब एक दिन में घी दे लिए, कोशिका चैप्टरा पढ़े तो सब नॉर्मल पढ़ रहे हो, तो मैडम वनोम तो दो दिन लग गए होते। चलिए ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, कोशिका क्या, कोशिका को क्या बोल रहे हैं, कोशिका को विकसित के आधार पर, विकसित के यानी कौन कोशिका कितना विकसित है, रे बंदर कौन कोशिका कितना विकसित है, उसके आधार पर कोशिका को हम दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, एकदम ध्यान से पढ़। एक तो बोलते हैं ये सब तुम लोग को जनरल कंपटीशन में इतना पढ़ा रहे हैं, सब जनरल कंपटीशन में बहुत काम देगा। एक को बोलते हैं प्रोकेट, यहाँ प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक, क्या बोलते हैं यूकैरियो टिक, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर परो मतलब पहले, परो मतलब यानी पहले बन गया, यानी जितना समय पूर्णना चाहिए उतना समय नहीं लगा उसको बनाने में, पहले बन गया यानी कम विकसित है, यानी क्या है अविकसित होता है, क्या होता है अविकसित होता है, क्या होता है आई क्या है यूकैरियोटिक, क्या है यूकैरियोटिक, तो क्या होता है विकसित यानी बाद में बनता है, क्या बनता है बाद में बनता है, समझ आ गया तुम लोग को। ऐसे बोलेंगे यू 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 तो यू यू मतलब क्या हुआ, तुम लोग विकसित हो ना, यानी हम लोग यूकैरियोटिक है, क्या है यूकैरियोटिक, अरे यू मतलब तुम लोग ना हुआ, तो यू 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 यानी यू यू मतलब यू यू बोले, यानी तुम लोग बोले, तुम लोग मतलब कौन, तो हम लोग क्या है यूकैरियोटिक, क्या है। अब यहाँ समझ दोनों अंतर देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, इसका केंद्रक जो है ना, केंद्रक जो है केंद्रक केंद्रक जो है केंद्रक पर आवरण नहीं होता है, यानी केंद्रक पर क्या होता है कोई झिल्ली ना होता है, कोई झिल्ली झिल्ली ना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है केंद्रक पर झिल्ली होता है, केंद्रक पर झिल्ली होता है, समझ लो आया। इसमें जो है ना, इसमें ऊर्जा जो बनता है, ऊर्जा जो बनता है कहाँ बनता है पता है, इसमें ऊर्जा बनता है कोशिका द्रव में, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें ऊर्जा कहाँ बनता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ऊर्जा क्यों बन रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, हम जानते हैं कि ऊर्जा कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, तो इसमें ऊर्जा कहाँ बनता है, इसमें ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ आ गया तुम लोग को। यहाँ ध्यान दे, इसमें जो लाइबोसोम पाया जाता है ना वो कम विकसित लाइबोसोम पाया जाता है, यानी 70S लाइबोसोम को दो भाग में बांटते हैं, एक बोलते हैं कम विकसित को बोलते हैं 70S और अधिक विकसित को बोलते हैं 80S, क्या बोलते हैं, इसमें जो लाइबोसोम होता है कम विकसित यानी 70S वाला, इसमें जो होता है उसको होता है 80S वाला, समझा तुम लोग। इसमें जो है ना, इसमें जो है अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है, इसमें अंतः प्रद्रव्य जालिका पाया जाता है, इसमें जो है यहाँ पर ध्यान दें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी कम विकसित है ना, तो सब कुछ इसमें तो रहेगा ना, उसमें सब कुछ रहेगा, समझ तो क्या रहा है। इसमें बोले हैं क्या, इसमें गोल्जी का नहीं पाया, उसमें गोल्जी का पाया जाता है, सब लिख लेगा। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया, उसमें सेंट्रोसोम, इसका एग्जाम्पल में लिख लेना, क्या तो लिख लेना इसका एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, क्या लिख लेना बैक्टीरिया, और क्या लिख लेना तो लिख लेना है बैक्टीरिया लिख ले, उसके बाद लिख ले नील हरित शैवाल, क्या लिख ले नील हरित शैवाल, यानी कैसा शैवाल, तो जिसका रंग नीला और हरा हो, नीला और लिख ले साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जितना भी जानवर देख रहे हैं सबको लिख ले, समझ तुम लोग आ गया। अब तुम लोग बता कि इसमें जो यहाँ ध्यान दे, अच्छी और समझना है तुम लोग को, दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दे। यहाँ तुम लोग क्या पढ़ाते हैं, हम यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ तुम लोग को पढ़ाए थे कोशिका द्रव, क्या पढ़ाए थे कोशिका द्रव, जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया था उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, तो केंद्रक द्रव किसे कहेंगे, तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर जो जो द्रव पाया जाएगा उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव, क्या बोलेंगे। एक होता है जीव द्रव, क्या होता है एक होता है जीव द्रव, क्या होता है, अब समझ तुम लोग हम क्या बोल रहे थे कोशिका द्रव, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव तो केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, अब बोल रहे जीव द्रव तो पूरा जीव में नहीं है, है ना, तो बोले कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाने से जीव द्रव बनता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाने से जीव द्रव। अब तुम लोग बोलेगा क्वेश्चन आएगा कि बताया कि कोशिका के अंदर यहाँ पणिया क्यों है, द्रव क्यों भरा है। अब तुम लोग बता, अगर ऐसे को थैला में ले लो तुम लोग, ठीक है ना, ऐसे को सामान रख दे तो सामान आपस में जब टकराएगा ना, और टकराएगा तो फूट जाएगा, अगर उसमें पानी भर के उसको सामान रख दे पैक करके तब टकराएगा, तो इसमें पानी भरा इसलिए है क्योंकि सब जो है आपस में टकराएगा ना तो चोट नहीं पहुँचेगा किसी को, ठीक है ना। अरे पढ़िया हम कुछ सामान को रख दे तो कितनों इधर से उधर डोलेगा, लेकिन किसी को चोट लगता है क्या, नहीं लगता है, तो इसी कारण इसमें क्या भरा है द्रव भरा है कि सब जितना जिसमें बहुत सारा अंग पढ़ाए थे ना, किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान सब इतने रखते हैं, चलो टक।